अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय व्लॉग गाइस। सो गाइस, आप लोग को यहाँ दिखाने जा रहे हैं, आज है संडे का दिन और यहाँ पे इन लोगों ने क्या किया, चूज़े निकाल के बाहर कर दिए और बाहर चूज़े जो हैं वो घूम रहे हैं, साथ में ये लोग भी देखे और ये रहा दूसरा चूज़ा, यहाँ घूम रहे हैं। चीलों का भी ध्यान रखना है कि कोई चील वगैरह नहीं आए, ईगल वगैरह नहीं आए। ये देखें, साथ में चाय भी चल रही है सुबह का नाश्ते की और यहाँ पे ये लोग सफाई भी चल रही है, यहाँ चूचू भी और हम बाहर आ चुके हैं। वाह रूहान, चूचे आपके पास ही? ओह, दो दो चूचे घूम रहे। ओए कैसे बात किया रे? यहाँ आ जा, ये बाग बाग के आ गया। इनके पापा जो साइकिलिंग कर रहे हैं। वो ईगल घूम रही है ऊपर। चूचे को हमने यहाँ छोड़ दिया ताकि ना यहाँ रहे और वहाँ से ईगल वगैरह आ रही थी, तो हमने चूचे को यहाँ पे छोड़ दिया दोनों। और कल हाँ इसका भी रखें, हाँ सही चूचू मूचू खा रहे हैं। और यहाँ पे रूहान के लिए कल मैं ये वाला चॉइस भी लेकर आई हूँ, रूहान की बर्थडे आ रही है। हाँ मोटू पतलू, रूहान की बर्थडे के लिए मैं ये लेकर आई थी, इसके लिए पियानो। ये फूल में ये कौन से आ गए? ये आ गया ना, खुद ही आ गया। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह से खुद ही गाइस ये देखो ग्रोथ हो गई इसकी। मेरे ख्याल से इसमें नहीं, ये तो नकली है, नकली नहीं आई मीन के ऐसा ही है, इसको निकाल दिया हमने। बाकी इसमें नहीं आया, इसमें ये वाले फ्लावर्स आ गए छोटे से प्यारे प्यारे से। इंजॉय कर रहे देखो तो सही कैसे खोद खोद के वो खा रहे, वो जो है ना असील चूजा छोटे वाला वो बहुत तेज है माशाल्लाह, खोद रहे हैं सारे यहाँ से इकट्ठा कर दिए। देख लो अब वो उसको समझता है वो हमें, तो इसीलिए काटता है उसमें। देखो हाँ देखिए माशाल्लाह, इस फ्लावर में इस ट्री में येलो फ्लावर सारे आ गए। ओ ये बड़ी साइकिल चला के आए गया माशाल्लाह से, कितने प्यारे ये फ्लावर्स है यार, ब्यूटीफुल। ये पूरा दरख्त है ना इसे फ्लावर से भर जाता है, जो जो पत्ते होते हैं ना सारे गिर जाते हैं। आप देखिए येलो फ्लावर कितने सारे ज़मीन पे पड़े हैं माशाल्लाह। बचपन में ना हम ये वाले फ्लावर लेते थे और है ना इसको यहाँ से यूँ सक करते थे और इतना मीठा मीठा हमें फील होता था। गाइस तो अभी हम जा रहे हैं रमज़ान की ग्रोसरी लेने, क्योंकि रमज़ान एक दो दिन में रमज़ान स्टार्ट हो जाएगा, तो इसीलिए हमें जाना है रमज़ान के सामान लेने। तो ये भी यहाँ चले गए, अब जल्दी जल्दी जाते हैं, गाड़ी निकालते हैं और चलते हैं ग्रोसरी लेने। So guys, हम लोग आ गए घर पे। अच्छा मैं तो आ गई, जल्दी जल्दी जल्दी
चलो हमारा और छन्नो के लिए भी जूस लाए हम। कल आप लोगों ने चॉकलेट खाई थी, चॉकलेट भी खाई थी ना? किसने बोला? मुझे ना अर्शद ने बता दिया। अच्छा नहीं नहीं लेकर आओ, जाओ अर्शद। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमारी ये ग्रोसरी ये देखिए माशाल्लाह से, रूह अफ़ज़ा, दूध के डब्बे, बिस्किट्स, ये ऑयल, मायोनीस, ये दस्तरखान ले लिया है नया दस्तरखान रमज़ान के लिए। ये रही हमारी दानेदार टपाल, दानेदार पत्ती, और माशाल्लाह ये रहा हमारा राशन, ये देखिए रमज़ान ग्रोसरी माशाल्लाह। जूस शन्नो को दो, एक अमारा को दो, आयरा आएगी तो उसको भी देना, सही है? और रूहान को भी देकर आ जाओ, और भाईजान को भी देख। अभी मुझे सारी सेटिंग करनी है, सारे रमज़ान के सामान जो भी यहाँ रखने, इनको यहाँ मुझे रखने, तो पहले ये सारी इनकी सेटिंग कर लेते हैं, इनको कहाँ मुझे करना है, कौन से डब्बे में डालने। ये सारी पुडिंग्स वगैरह लाई थी, वो ये रही सारी पुडिंग्स जो मैंने शो नहीं किया आप लोग के साथ, पुडिंग्स ये रही, और क्या कहते हैं फुल्की भी ली थी मैंने, फुल्की पता नहीं कहाँ चली गई, ये रही फुल्की, और चाट मसाला भी ये, और दही बड़े का मसाला ये रहा। तो ये रहे बाकी सामान, और अभी इसको करते हैं एक साइड पे और सारे सामान यहाँ रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे सारी सेटिंग कर ली, ये देखें सारे जो भी है सामान यहाँ मैंने रख दिए, और बाकी जो है इस वाले ड्रो में मैंने सारी पुडिंग्स और स्पाइसेस जो भी है यहाँ रख दिए, ये सारे यहाँ इस वाले ड्रो में मैंने बाकी ये जो सामान लाए थे ये मैंने सारे यहाँ रख दिए। अब ये दूध के डब्बे भी ठिकाने लगाऊंगी, वो फ्रूट्स भी। अब यहाँ से सारी सफाई कर लूँ, क्योंकि मैट तो आज आई नहीं है, मुझे ही करनी है, तो चले क्लीन करते हैं। यहाँ पे मैंने जिंजर और गार्लिक का पेस्ट भी बना दिया, अब मैं इसको स्टोर करके रख दूँगी, फिर जब चाहिए होगा यूज़ करेंगे। यहाँ पे मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ पुडिंग, क्योंकि बच्चे ने फरमाइश की थी कि मम्मा पुडिंग बनाना, तो मैंने कहा चलो आज पुडिंग बना लेती हूँ, ये वाली काजू वाली पुडिंग बना देते हैं जल्दी जल्दी करके। फ्रेंड्स हमारा यहाँ रेडी है जिंजर गार्लिक पेस्ट माशाल्लाह से, और अभी हाल देखने क्या हो गए, और यहाँ पे मेरी पुडिंग भी रेडी है, बस थोड़ा सा और पकाएंगे तो ये पुडिंग रेडी हो जाएगी बिल्कुल। तो अभी बस चलते हैं, सफाई करते हैं और खाने की तैयारी करते हैं, खाना बनाते हैं। गाइस अभी शाम होने वाली है, 5 बजने वाले, तो मैंने सोचा यार थोड़ा सा ये जो समोसे रोल बनाए वो फ्राई कर लूं, और अभी फ्राई के इतने मज़े के बने हुए कि क्या बताऊं। जल्दी आओ रूहान, जल्दी जल्दी खाते। और ये भी मैंने आलू का मिक्सचर बनाया हुआ था, उसके अंदर सारी फिलिंग की हुई थी, आई मीन के इसमें कैबेज, कैरट, चिकन, शिमला मिर्च, ये सब इसके अंदर है। अभी आया ईशान, जाओ हैंड वॉश करके आओ, जल्दी आओ। रात के हो रहे हैं 10:30, और मुझे अभी काम करना है, क्योंकि यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ ये जो आपको नज़र आ रहे है, ये है बिहारी बोटी और टिक्का मसाले का मिक्सचर की ये बोटियाँ बनाइए, साथ में मिंट रखी हूँ ऊपर, और अभी मैं बनाऊँगी मिंट रोल, जिसके लिए मुझे ये 2 जम्बो स्लाइस चाहिए थी, मायोनीज, केचप, और ये ग्रीन चटनी और चीज़, तो मिंट रोल चीज़ वाले हम अभी बनाएंगे, उसके बाद फिर इंशाल्लाह मैं सोऊंगी। मैंने कहा पहले काम वाइंड अप कर लूं, उसके बाद सोने जाते हैं, बहुत थक भी गई हूँ, जैसे जैसे रमज़ान करीब आता जा रहा है, तो मैंने कहा सारे काम हमारे हो जाए। अभी देखो घर का फैलावा भी कैसा किया हुआ, ये भी नहीं सोए अभी तक, और हमारे चूचू है वो भी वहाँ शोर करें, तो बस अभी करते हैं काम, और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नई वीडियो में नए दिन के आगाज़ के साथ। बहुत दिन हो गए बबलू को भी नहीं देखे, इंशाल्लाह सुबह बबलू को भी मिलेंगे देखेंगे। तो गाइज़ आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी कर दें, इंशाल्लाह कल मिलते हैं न्यू वीडियो में। तो बहुत सारा ध्यान रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़।